सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम RDP को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके अंदर मैं 2-3 प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाला हूँ RDP को क्रिएट करने के लिए। सो आवर फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज़ लाइटनिंग AI। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस प्लेटफॉर्म का बेसिकली यूज़ लोग AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए करते हैं, बट हम इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, इसका अकाउंट बनाने के लिए कोई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं और इसको हम 4 आवर्स तक फ्री यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें 100 GB प्रोसेस्ड स्टोरेज मिलता है और इसके अंदर GPU का भी एक्सेस मिलता है हमें। सो लेट्स क्लिक ऑन कोड देन स्टार्ट। अगर आपका वो 4 आवर्स का सेशन पूरा हो जाए तो आप उस अगेन न्यू सेशन क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ओपन करना है टर्मिनल को। मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। देन आपको जाना है एक वेबसाइट पे, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप इसका नाम है। देन एक्सेस माय कंप्यूटर सेट बाय SSH बिगन नेक्स्ट ऑथराइज। देन इसके अंदर आपको ना इस जो ऊपर स्क्रीन पे आपको जो इमेज दिख रही है, जितना हाईलाइटेड पोर्शन है उसी को बस आपको कॉपी करना है। देन कॉपी करके यहाँ पे आना है। ये ऐसा कोड आपको दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप इसको अपने टोकन से रिप्लेस कर देना। देन इसे कॉपी करके आपको लाइटनिंग ऐप पे आ जाना है और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन हिट एंटर। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो आप को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इधर। नाउ ये स्टार्ट हो चुका है। सो अब हम रिमोट एक्सेस पे जाएंगे। देन आपको यहाँ पे ये ऑनलाइन दिख जाएगा। देन आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपको पिन इंसर्ट करना है। तो इसका पिन 1 2 3 4 5 6 बाय डिफ़ॉल्ट है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप बस इसके अंदर आपको इसे चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप चेंज करोगे यहाँ पे भी वो चेंज हो जाएगा। देख सकते हो इसके अंदर आपको लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा है। आप इसको और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका रूट का पासवर्ड एपिक माइनर है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये था फर्स्ट प्लेटफॉर्म। नाउ अब मैं आपको दूसरा प्लेटफॉर्म है हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। इसके लिए आपको लेट मी स्विच माय अकाउंट, हाँ इसके लिए आपको कंसोल पे क्लिक करना है। देन एक्टिवेट क्लाउड शेल इस पर क्लिक करना है। देन आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देन आपको सेम जो स्टेप हमने लाइटनिंग ऐप में फॉलो किया था उसे भी इधर फॉलो करना है। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। अब देख सकते हैं इसके अंदर भी लेटेंसी बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है हमें, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस रहता है इसके अंदर भी। नाउ अब इसको आप 12 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं, बस इसको क्लोज मत करना आप। एंड द थर्ड प्लेटफॉर्म है हमारा GitHub, GitHub कोड स्पेस। तो इसके लिए आप कोई भी यहाँ पे कोड स्पेस को सिलेक्ट कर लेना एंड आप अपना रीजन सिलेक्ट करना जो आपको जो आपके पास पड़ता हो। मेरे पास ये साउथ एशिया, ये मेरा रीजन है, सो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको 2 कोर्स का CPU सिलेक्ट करना है तो 2 कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो और 4 कोर्स का। मैं बाय डिफॉल्ट 2 कोर्स सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बिल्कुल आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसा फर्स्ट प्रोसेस में हमने फॉलो किया था वैसे यहाँ पे
सेम आप यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये तीन तीन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो करंटली। अगर और भी आएंगे तो मैं आपको और भी बता दूंगा। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो भी देखी होगी जो कि बहुत पहले मैंने अपलोड की थी, तो इसके अंदर अभी कुछ इस टाइप का इशू आता है। यहाँ पे लिखता है होस्ट स्टार्ट सक्सेसफुली, बट ये हमेशा ऐसे ही स्टक हो जाता है, स्टार्ट नहीं होता। सो इसका सॉल्यूशन भी मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अगेन उस रेपो पे चले जाना है। देन आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड वाले की जगह आपको इस फोर्थ वाले स्क्रिप्ट को यूज़ करना है। मुझे पता था थर्ड वाले में कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं फोर्थ में बना के इधर लगा दिया था। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसा मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता और ब्राउज़र और सब चीज़ वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स।